गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फोर्थ क्लास में सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, ईमानदारी। ईमानदारी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण या मनुष्य का जो गहना होता है वो ईमानदारी है, सच्चाई है। एक मनुष्य की सच्चाई ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य ये सोचता है कि भगवान ने मुझ में सच्चाई का गुण डालकर मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है, मैं इस उपहार को कोशिश करके ज़िंदगी भर अपने पास रख सकता हूँ। ईमानदारी मनुष्य को एक भगवान के बराबर दर्जा दिलवा सकती है, और अगर उसी इंसान में बेईमानी आने लग जाती है, झूठ छल कपट या आने लग जाता है, तो वो इंसान एक अपराधी बन जाता है, वो अपराध के दलदल में दस्ता चला जाता है। एक जीवन में छोटी सी बेईमानी भी आपको अपराधी बना सकती है, ठीक है। हमें हमारे जीवन में ईमानदारी का गुण अपनाना चाहिए, बेईमानी के गुण को त्याग कर हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो देखिए, जो ये कहानी है, इस कहानी में हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया है कि हम ईमानदार होकर क्या कर सकते हैं और बेईमान होने पर हम कैसे अपराधी बन सकते हैं। एक छोटे से झूठ की वजह से, एक छोटी सी बेईमानी की वजह से हमें कोई लाभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो देखिए, हम इस पाठ में ईमानदारी और बेईमानी के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य, इस पाठ को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम अपनी ईमानदारी से ही लोगों का दिल जीत सकते हैं। ईमानदारी सच्चाई से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों के मन में अपनी जगह बना सकते हैं। हमें ईमानदारी का परिचय देना चाहिए तथा सदा दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। हमें ईमानदारी का हर जगह परिचय देना चाहिए। अपनी ईमानदारी हमें कभी खोनी नहीं है, और हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुननी है। वह सदैव ईमानदारी के लिए प्रेरित करता है। जो ईमानदार होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, वो हमेशा ईमानदारी के लिए प्रेरित करता है, लोगों को भी ईमानदार होने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के पिता कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी सच्चरित्रता तथा ईमानदारी के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री थे, वो अपनी ईमानदारी और अपने अच्छे गुणों की वजह से ही प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पाठ। मई के दोपहरी थी। मई के महीने में गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है? गर्मी, ये गर्मी का मौसम है। ज़ोरदार गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तभी गली में मटका कुल्फी बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी। मई की दोपहरी थी, ज़ोरदार गर्मी पड़ रही थी। तभी गली में
मटका कुल्फी, मटका कुल्फी बेच जानते हो ना। बेचने वाले की आवाज़ पुकार सुनाई दी, झटपट आसपास के घरों के दरवाजे खुलने लगे। जब वो मटका कुल्फी बेचने वाला गली में आया तो आसपास के जितने भी घर थे उनके दरवाजे जल्दी जल्दी खुलने लगे। थोड़ी ही देर में कुल्फी वाले के पास बच्चों की भीड़ लग गई, थोड़ी देर में ही कुल्फी वाले के पास बच्चों की भीड़ लग गई। नरेश वहाँ से कुल्फी लेकर आया था, एक बच्चे का नाम है नरेश। वह उस मटका कुल्फी वाले से कुल्फी लेकर आया था। वह बहुत प्रसन्न था, वह बहुत खुश था। क्यों खुश था आगे देखेंगे हम। ऐसी गर्मी में ठंडी मीठी कुल्फी मिलने की जितनी खुशी थी, जो गर्मी पड़ रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, और ऐसी गर्मी में ठंडी मीठी कुल्फी मिलने की खुशी तो उसे थी ही, लेकिन दूसरी खुशी और थी। वो क्या थी? उस कुल्फी वाले ने नरेश से पैसे लिए और उसे वो पैसे वापस लौटा दी। नरेश को जो कुल्फी मिली वो बिल्कुल फ्री में मिली थी, इसलिए नरेश बहुत खुश था। ऐसी गर्मी में ठंडी मीठी कुल्फी मिलने की जितनी खुशी थी उससे भी बढ़कर उसे एक खुशी और थी। वह भला क्या? बात यह हुई कि नरेश ने कुल्फी वाले से 5 रुपए की कुल्फी ली। नरेश ने कुल्फी वाले से 5 रुपए की मटका कुल्फी ली और उसे 10 रुपए दिए, और उस कुल्फी वाले को उसने 10 रुपए दिए। कुल्फी वाले ने भूल चूक से नरेश को वापस 10 रुपए लौटा दिए। आपको पता है बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो कुल्फी वाला भी भूल जाता है कि मैंने किसको वापस पैसे कर दिए, किसने मुझे पैसे दिए हैं, तो वो इसी भूल से नरेश को वापस 10 रुपए दे देता है और कुल्फी दे दी मुफ्त में, कुल्फी बिना दाम की उसे दे दी। नरेश ने सब कुछ जानते हुए भी वे 10 रुपए चुपचाप अपनी जेब में रख लिए। नरेश ने बिना कुछ बोले वो 10 रुपए अपनी जेब में रख लिए। फिर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला गया और मन ही मन खुश होकर अपने घर चला गया। आप जानते हैं ऐसा अनेक बार हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है कि यदि दुकान पर अधिक भीड़ हो तो ऐसी गलती की आशंका, संदेह और भी अधिक बढ़ जाती है। सोचो क्या नरेश का यह काम उचित था? क्या नरेश का यह जो काम किया उसने वो सही था, ठीक था? सचमुच नरेश ने छोटे से लोभ में फंसकर बेईमानी कर डाली। उसने जो कुल्फी वाले से 10 रुपए लिए और 10 रुपए लेकर घर आ गया, वही उसने बेईमानी दिखा दी थी। अगर वो ईमानदार होता, सच्चा होता, तो उस कुल्फी वाले को कहता कि आप मुझे 10 रुपए ना देकर मुझे 5 रुपए ही दीजिए, आपने मुझे गलती से 10 रुपए दे दिए हैं। लेकिन नरेश ने ऐसा नहीं किया, वो छोटी सी उम्र में ही बेईमानी करने लग गया। नरेश का कर्तव्य था कि नरेश का फर्ज था कि वह कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता और उसके पैसे लौटा देता। नरेश का कर्तव्य फर्ज था कि वह कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता कि आपने गलती से मुझे 10 रुपए दे दिए हैं और उसके पैसे लौटा देता, तब वो ईमानदार होता। लेकिन नरेश ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी बेईमानी का परिचय दिया।
तब वह एक ईमानदार बालक कहलाता। अगर वो कुल्फी वाले को 10 रुपये लौटा देता तो वो एक ईमानदार बालक कहलाता। ईमानदार रहने पर उसके मन को भी बड़ी प्रसन्नता होती। अगर वो ईमानदार रहता, अपनी सच्चाई का परिचय देता, तो उसके मन को भी बहुत खुशी मिलती, प्रसन्नता होती। ठीक है, अब देखिए देखिए सचमुच नरेश ने छोटे से लोभ में फंसकर बेईमानी कर डाली। नरेश ने छोटे से लोभ में फंसकर अपनी बेईमानी का परिचय दे दिया। नरेश का कर्तव्य था कि वह कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता और उसके पैसे लौटा देता, तब वह एक ईमानदार बालक कहलाता। अगर नरेश ऐसा करता तो वह एक ईमानदार बालक बन जाता, कहलाता। ईमानदार रहने पर उसके अपने मन को भी बड़ी प्रसन्नता होती। अगर वो ईमानदारी का काम करता तो उसका खुद का मन भी बहुत खुश होता, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। कुछ स्वार्थी लोग, कुछ खुदगर्ज लोग खाने पीने में बेईमानी को बुराई नहीं मानते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, खुदगर्ज लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, जो खाने पीने में बेईमानी करने को कोई बुराई नहीं मानते हैं, लेकिन यह अनुचित है, यह उचित नहीं है, यह गलत है। एक छोटी सी बेईमानी ही आगे बड़े अपराध का रास्ता खोलती है। एक छोटी सी बेईमानी धीरे धीरे बढ़कर एक अपराध, एक जुर्म का रास्ता खोल देती है। इसलिए ऐसी छोटी सी भूल भी मत करो, इसलिए हमें छोटी सी भूल भी नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।